नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ग्रीनफुल दौसा, शिक्षित दौसा, विकसित दौसा मुहिम शुरू करेंगे और इसके तहत अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया है। 10 बजे सांसद जनसुनवाई कार्यालय जिला परिषद दौसा में शुभारंभ किया जाएगा। सांसद मुरारीलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में भाजपा के सांसद के समय ये जनसुनवाई कार्यालय कभी कभार खुलता था। हम आमजन की सुविधा के लिए प्रत्येक दिन खुलेगा और मेरा स्टाफ बैठेगा और प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से शाम तक मैं स्वयं बैठूँगा और आमजन की जनसुनवाई कर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही ग्रीनफुल दौसा अभियान में मेरे जन्मदिवस पर 20 जुलाई तक अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। साथ ही आप सभी एक पेड़ जरूर लेकर आएं और लगाएं, जिससे लोकसभा क्षेत्र दौसा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष रामजीलाल और जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उपस्थित मीडिया प्रभारी उमाशंकर मीणा, दौसा प्रधान प्रहलाद मीणा, लवाण प्रधान बिना डीसी बैरवान, नांगल प्रधान दिनेश मीणा, चेयरमैन ममता चौधरी, वाइस चेयरमैन कल्पना जेमन, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज आवाना, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा, अपर जिला प्रमुख ललिता मीणा, जिलाध्यक्ष रुक्मणी गुप्ता, रेणु कटारिया आदि लोग मौजूद थे।